तो बेसिकली गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को MIUI 13 सपोर्ट थीम के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे गाइज चाइना में हमें ऑफिशियल MIUI 13 की अपडेट देखने को मिल गया, और दोस्तों जब चाइना में हमें अपडेट देखने को मिलता है, जब MIUI 13 रिलीज होता है दोस्तों, तो उसकी सेटिंग वगैरह भी, उसकी थीम वगैरह दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर में MIUI 13 देखने को मिला है, उस कंट्रोल सेंटर को यहाँ मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक थीम देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बेसिकली मैं आप लोग को दो थीम और दो फोन के बारे में बताने वाला हूँ। एक थीम आप लोग को MIUI 13 सपोर्ट थीम देखने को मिलता है, अगर आपके फोन में MIUI 13 है तो आप इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं, और आपके फोन में MIUI 12 या 12.5 है तो आप लोग दूसरी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले आप लोगों को क्लासी OS वाला थीम देखने को मिलता है, जिसे अप्लाई करने के बाद आपकी जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाता है। हल्का सा दोस्तों चेंजेस देखने को मिलता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं, पर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। आपको जो आइकन पैक है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, जो वॉलपेपर है दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो विजेट हमें देखने को मिलता है क्लॉक वाला या फिर वेदर वाला दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पर डबल टैप करके आप लोग वहाँ पर 4 से 5 तरह के आप लोगों को जो विजेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये वॉलपेपर और ये आइकन पैक मुझे काफ़ी पसंद आया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वॉलपेपर आइकन पैक कैसा लगा। दोस्तों लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो लॉक स्क्रीन में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट टाइप का लुक देखने को मिलता है, देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है। और आप लोग यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप जब करेंगे, लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आप लोग जब इसकी लोकेशन पैटर्न को यहाँ पर चेंज करेंगे, तो उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर भी क्लॉक को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग 4-5 तरह की क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है, और आप लोग इस क्लॉक को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं, और जो डायनेमिक विजेट है दोस्तों उसे भी आप लोग यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यानी दोस्तों जब हम लोग जब अपने लोकेशन में जाएंगे तो आप लोग डायनेमिक जो मिलता है उसे आप लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये थीम हमें MIUI 13 सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों सेम थीम आप लोगों को MIUI 12 या 12.5 सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आपके फोन में MIUI 12.5 है तो आप लोग दूसरी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को पोलराइज यूआई देखने को मिलता है, जो दोस्तों सेम आप लोगों को मॉडिफिकेशन के साथ आता है, सिर्फ इसमें आप लोगों को वॉलपेपर थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, आइकन पर डिफरेंट मिलता है। और दोस्तों ये MIUI 13 में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपके फोन में MIUI 13 है तो आपको वहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, पर अगर आपके फोन में MIUI 12.5 है तो आप इस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये दो थीम आप लोग देखने को मिलता है, जो आपको MIUI 13 या 12.5 के लिए काम करता है, सपोर्ट करता है। और दोस्तों और यहाँ पे फोन देख सकते हैं, उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो जो हमें बैटरी वगैरह आईफोन वाईफाई वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों, वो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दो फोन देखने को मिलता है, एक जापान देखने को मिलता है और एक पता नहीं क्या लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन को अप्लाई करने के बाद आपकी जो फ़ोन की लुक है, इंटरफेस है दोस्तों, वो यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग अपने फोन की लुक को यहाँ पर इनहेंस करना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन के थ्रू इंक्रीज करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस तरह के थीम और फोन को अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने फोन में काफ़ी अच्छी तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये थीम और फोन कैसा लगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई फेवरेट थीम या कोई फोन है तो कमेंट में बताइए। अगली वीडियो दोस्तों उसी के ऊपर होने होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करिए अगली वीडियो का और वेट करिए।